दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। आपको एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों, हम आपके लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स तैयार करा रहे हैं, तो इसमें हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। हालांकि अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो ये आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपको डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके अलावा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। YouTube की बात करें तो YouTube के माध्यम से हम आपको ये वाली वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कंसेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने से पहले हम एक काम करते हैं, हम आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझा देते हैं, और एक बार आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पहले आपको एक टॉपिक करा रहे हैं जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि जब आप किसी चीज़ को पाते हो तो आपको कोई ना कोई चीज़ खोनी पड़ती है, तो किसी चीज़ को पाने की कॉस्ट जो है वो सेक्रीफाइस करना है जिससे आपने खोया। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ए ऑप्शन है वीडियो बनाने का, जो कि मैं अपने घर पर बना रहा हूँ, लाइट भी मेरी, बिजली भी मेरी, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक भी मुझे आता है, तो जो कॉस्ट है वो ज़ीरो नहीं होती। बच्चों, ये आप याद रखिएगा, कॉस्ट नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होती। क्योंकि अगर मान लीजिए यही काम मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए करता या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कर देता, मान लीजिए मैं किसी कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में अपना लेक्चर देने जाता, तो मेरे हिसाब से मुझे एक घंटे के मान लीजिए 1500 रुपये मिल जाते, ठीक है, 1500 रुपये पर लेक्चर मुझे मिल जाता। अब 1500 रुपये पर लेक्चर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं एक घंटे में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये मेरी कॉस्ट है अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो। बात समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, इसका मतलब आपने क्या चुना, मैंने चुना मान लीजिए वीडियो बनाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस भी तो किया जो मैं कर सकता था। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जिस चीज़ को आपने सेक्रीफाइस किया उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम MRT भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन द एडिशनल यूनिट। देखिए, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कंसेप्ट क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए इकोनॉमी जो है वो एक्स गुड्स बनाती है ज़ीरो, इसका मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज वाई बनाने पे ही लगा रही है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आपको एक्स गुड्स बनानी है एक और, यानी कि एक एक्स प्लस करने के लिए आपने जो वाई सेक्रीफाइस किया, वाई सेक्रीफाइस किया आपने एक का, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस, आपने सेक्रीफाइस किया एक का और गेन लॉस हुआ एक का, इसका मतलब आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वन के बराबर है। ये शेडेड एरिया जो है वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक और यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपका मतलब है कि प्लस वन हुआ तो आपने दो का सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे प्लस वन हुआ और यहाँ पे प्लस वन हुआ, यानी कि जैसे जैसे आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो इक्वल अमाउंट में, आप देखोगे कि जो y की क्वांटिटी है आप देख पा रहे होंगे y की क्वांटिटी जो है लॉस जो हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आप x की अमाउंट को बढ़ाते हो इक्वल अमाउंट में और y का सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता है, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आप देखिए यहां पर जो शेडेड एरिया ये बड़ा होता चला गया, यानी कि सेम अमाउंट बढ़ाने पर आपको जो लॉस है वो पहले 10 का लॉस हुआ, फिर 20 का लॉस हुआ, फिर 30 का लॉस हुआ, फिर 40 का लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता
चला सॉरी सेक्रीफाइस का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग MRT। ये भी पॉसिबल है बच्चों कि अगर आप एक्स अमाउंट इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहे हो, हाँ ये भी पॉसिबल है कि आप इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहे हो, जैसे प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, प्लस वन हुआ, तो आपका जो सेक्रीफाइस है वो टू का सेक्रीफाइस हुआ, टू का सेक्रीफाइस हुआ, टू का सेक्रीफाइस हुआ, टू का सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि एक्स की सेम अमाउंट बढ़ाने पर आपने वाई का जो सेक्रीफाइस है वो कॉन्स्टेंट रहा, इसीलिए इसको कॉन्स्टेंट MRTS बोलते हैं। और इस केस में अगर आप PPC बनाओगे तो जो स्लोप है PPC का वो बिल्कुल सीधी रेखा में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमें ये समझना है कि अगर हम हमारा जो कॉस्ट है वो इस तरीके की है कि अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में एक्स को बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ पे बना रखा है वन बढ़ाया वन बढ़ाया, और आपका जो सेक्रीफाइस है वो आप देखो लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाइन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेक्रीफाइस घटने की वजह से आपका जो MRT है वो भी घटेगा और जो स्लोप बनेगा वो कॉनवेक्स हो जाएगा इस तरीके का। अब बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी MRT तीन तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है जब आप x को समान अमाउंट में बढ़ाते हो और y जो है उसका सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाए, कॉन्स्टेंट भी हो सकती है जब x को आप इक्वल अमाउंट में बढ़ाते हो और y का जो सेक्रीफाइस है वो कॉन्स्टेंट रहे, और डिमिनिशिंग भी हो सकती है। लेकिन प्रोडक्शन के क्षेत्र में यानी कि जब प्रोडक्शन की बारी आती है तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लागू होती है, जिसकी वजह से जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो वो कॉनकेव शेप में आ जाता है। अब मैं आपसे ये मैं आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि आखिरकार प्रोडक्शन के सेक्टर में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में आखिरकार इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लागू क्यों होती है, कोई और लागू क्यों नहीं होती, यही मैं आपको समझाने का बच्चों मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा, पूरी कोशिश ये रहेगी। अब इसके लिए देखिए मैंने आपको एक अलग पेज ले लेता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि ये एक नदी के किनारे पे, ये मान लीजिए एक नदी है और इस नदी में के ये मान लीजिए प्लॉट है, हम सिंपल समझाने के लिए आपको ले लेते हैं। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हम ये मान लेते हैं कि चलिए इक्वल अमाउंट में प्लॉट हमने दे दिए। अब एक फैक्टर सभी चीज़ों को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, मतलब ये हुआ कि इस लैंड पर आप हर लैंड पर आप 10 कमरे बना सकते हो, 10 हाउस बना सकते हो या 10 रूम बना सकते हो, मैं हाउस की जगह रूम लिख देता हूँ, यानी कि हर पर 10 रूम बना सकते हो आप, सिंपल सी बात ये है, 10 रूम बना सकते हो, यानी कि अगर आप सारा का सारा पैसा सारे के सारे फैक्टर को रूम बनाने पे ही लगाते हो तो आपको कितने रूम बनेंगे, 100 रूम बन जाएंगे। और इस केस में जो वीट बनेगा, क्योंकि आप लैंड पर वीट भी तो बना सकते हो, तो जीरो बनेगा, जीरो क्विंटल बनेगा, ये आपको समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए कि ये जो भूमि है, ये लैंड है, वो डिक्रीजिंग उसकी प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लैंड पर आप 10 क्विंटल गेहूं बना सकते हो, इस पर आप 6 ही बना सकते हो, इस पे 4 बना सकते हो, इस पर बनाने के बनाएगा मान लीजिए 3.5, ठीक है, इस पे बनेगा मान लीजिए 3.4 और इस पे बनेगा मान लीजिए 3.1, इस तरीके की हमारी कंडीशन है। इसी तरीके से मान लीजिए इस पे बनेगा, मतलब आप पॉइंट आप रख लीजिएगा, लेकिन इसको मिलाकर ये 10 बनेगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा 10 गेहूं बने, ये वाला गेहूं, यानी कि गेहूं बनाने में वीट बनाने में काम आने वाला है, तो इसका मतलब है कि 10 वीट बनाने के लिए हमें 10 कमरों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात क्लियर कर लीजिए आप हमारे को, इसका मतलब अब आपके पास जो रूम बचे वो 90 बचे। सी कॉम्बिनेशन क्या बताता है, सी कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर आप 10 और गेहूं बनाना चाहते हो
तो आपको इसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि अब ये बताता है कि अगर आप 20 गेहूं बनाना चाहते हो तो अब आपके पास जो रूम बचेंगे वो केवल 70 बचेंगे। इसी तरीके से हम डीकॉम्बिनेशन ले लें तो ये तीन चीजें हमें, तीन का प्रोडक्शन यानी कि तीन चीज, तीन लैंड पे हम 10 क्विंटल गेहूं बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 30 होने के लिए हमें ये तीन कमरों को तीन जगह को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि केवल और केवल 40 का ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारा ई कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर आप ये सारा का सारा गेहूं बनाने में खर्च करते हो तो आपको ये 40 रूम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो रूम बनेगा वो जीरो, तब जाके ये 40 बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमने गेहूं बनाने में उस लैंड का प्रयोग किया जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इक्वली एफिशिएंट ना होने की वजह से, फैक्टर की वजह से हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है, और इसकी वजह से जो हमारा शेप बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वो कॉनकेव ही बनता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर और अपने टॉपिक को हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट बेटा, यहां से शुरू होता है। हाँ, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितनी गुड्स का? टू गुड्स का। हम यहां पे जब मान के चल रहे हैं कि दो गुड्स हैं, एक वीट है और एक मशीन है, तो दोनों में इक्वल ही वो एक तरीके से एफिशिएंट नहीं है। अगर हम ये मान भी लें कि फैक्टर मशीन में इक्वली एफिशिएंट है तो वो वीट बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो 10 गेहूं बनाना तो शुरुआत में आपको 10 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर 10 और गेहूं बनाने के लिए आपको 20 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 10 और गेहूं बनाने के लिए आपको 30 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ा, और फिर 10 और गेहूं बनाने के लिए आपको 40 मशीन का सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसी को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी वजह से आप देखोगे कि जो आपका पीपीसी का शेप होता है वो कॉनकेव शेप में होता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव, आप कह सकते हो विच गिव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, एवरी कॉम्बिनेशन ऑन पीपीसी शो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए मैं आपको एक पीपीसी बना देता हूं, ये समझ में आने के लिए अच्छा ये रहेगा। पीपीसी देखिए, ये वाला पीपीसी है। आपको याद रखना है बच्चों जितने भी पॉइंट होंगे, एक मिनट बेटा, जितने भी पॉइंट होंगे पीपीसी के ऊपर, जितने भी पॉइंट होंगे पीपीसी के ऊपर, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का पूरा यूज हुआ। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये सारा का सारा हिस्सा, ऊपर जो हिस्सा है इस लाइन से ऊपर, ये अनअटेंडेबल है, यानी कि आप इसको गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजी में आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो। यानी कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में आप केवल और केवल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उन्हीं को अचीव कर सकते हो, उसके बाहर के जो पॉइंट है, ये वाला जो जैसे पॉइंट दिखा रखा है ये अनअटेंडेबल है, अनरीचेबल है, और ये वाला जो पॉइंट है ये अटेंडेबल तो है, लेकिन ये हमारे को दिखा रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होगा, ऊपर मतलब से ऊपर नहीं, के ऊपर, याद रखिएगा, के ऊपर बोला है मैंने, से ऊपर नहीं बोला, के ऊपर होगा, यानी कि बाउंड्री के ऊपर होगा, वो दिखाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे आर फुल्ली यूटिलाइज। लेकिन अगर कोई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ऊपर चला जाता है, पॉइंट के बाहर चला जाता है, तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। तो ये बच्चों हमें पॉइंट समझना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ही जी पॉइंट की बात करेंगे तो जी पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है? जी पॉइंट हमें दिखाता है दैट रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज है। यही बच्चों हमें समझना पड़ेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं इसकी अजम्पशन की। देखिए सबसे पहले हमने क्या माना है, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड पे हम बता देते हैं बच्चों आपको। सबसे पहले हमने माना है टू गुड्स है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमी में केवल टू ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है। हमने ये भी माना कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि लिमिट नहीं होगी तो पीपीसी की बाउंड्री बनेगी नहीं। लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूज होता है, अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा तो भी बाउंड्री नहीं बनेगी।
रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बाउंड्री बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं उनका पूरा तरीके से यूज हो रहा है। इसके अलावा लेवल एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि हम टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का चेंज को एज्यूम नहीं करते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो सभी गुड्स को प्रोडक्शन करने में इक्वली सेटिस्फेक्शन नहीं होते। अगर हम ये मान भी लें कि एक गुड्स के प्रोडक्शन करने में वो इक्वली सेटिस्फाइड हैं, तभी भी दूसरी गुड्स को प्रोडक्शन करने में वो इक्वली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी की वजह से आप देखोगे कि दूसरी गुड्स का जब प्रोडक्शन होता है तो जैसे जैसे आप दूसरी गुड्स को प्रोडक्शन करते हो, पहली गुड्स जो है उसका सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा बच्चों स्लोप की बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया, दो बातें आपको याद रखनी है, मैं आपको चलिए यहाँ ही बता देता हूँ, अलग से बता देता हूँ, हाँ इसमें बता देते हैं, एक पेज ले लेते हैं अलग से। देखिए दो बातें आपको याद रखना है, पहला ये होता है पीपीसी, यानी कि एक तो ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप है। अगला ये कॉनकेव है, देखिए डाउनवर्ड का मतलब है कि अगर आप x को बढ़ाते हो तो आपको y सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, यानी कि पीपीसी डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमी में एक गुड्स को बढ़ाते हो, एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो, तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी 100% घटेगी। दूसरा आपको यह याद रखना है, कॉनकेव शेप का मतलब है कि अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, तो अगर आप एक्स की क्वांटिटी को इक्वल अमाउंट में बढ़ाते हो तो जो वाई का जो फॉल है वो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी कि पहले अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो 10 का प्लस एक्स 10 है या प्लस 10x हो रहा है, तो जो y का लॉस है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, सॉरी, या हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो कोई भी आप बोलिएगा, लेकिन बात बच्चों वही है जो मैंने आपको बताइए। तो दो फीचर्स होते हैं, पहला डाउनवर्ड होता है, दूसरा कॉनकेव होता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें आता है, वो ये आता है कि बच्चों मतलब इकोनॉमी में जो 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 पीपीसी है वो कब शिफ्ट कर सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं पेज ले लेता हूँ बच्चों, वही वाला जो हमने पहले ले रखा था, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, हमने ये माना था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज गिवन है और टेक्नोलॉजी गिवन है, यानी कि गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी में आपको एक बाउंड्री मिल जाएगी, ये वाली बाउंड्री मिल गई। मान लीजिए ये एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए 40 का, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है 100 का। ये बिल्कुल सिंपल सी बात समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप चाहते हो कि ये बाउंड्री चेंज हो, तो या तो टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा या रिसोर्सेज में चेंज करना पड़ेगा। अब पहला चेंज इस तरीके से हो सकता है, ऐसा, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि जो वाई का प्रोडक्शन है वो तो सेम रहा, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। ऐसा कब होगा? जब रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे फॉर ओनली एक्स, और टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी फॉर ओनली एक्स। ये आप याद रखिएगा बच्चों, तभी ऐसा होगा। यानी कि जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पे लिखें, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखते तेल का कुआ, तेल है, तो अगर मान लीजिए तेल का कुआ हमें और मिल जाए तो डेफिनेटली हम कार का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन तेल ज्यादा पैदा कर पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज का हुआ है। दूसरी तरीके से मान लीजिए अगर इस तरीके का डायग्राम बनाएं, ऐसा, इसका मतलब यह हुआ कि अब आप पहले से ज्यादा वाई गुड्स बना पा रहे हो, जबकि एक्स गुड्स पहले के बराबर 40 ही बना पा रहे हो। और ऐसा कब होता है बच्चों? जब आपका रिसोर्सेज बढ़ जाता है, और रिसोर्सेज बढ़ने का काम बढ़ने की वजह से केवल एक्स गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है, सॉरी वाई गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से केवल और केवल वाई गुड्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, एक्स की टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब जाके आप इसी तरीके का डायग्राम बनाओगे। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है दोनों ही फैक्टर्स में, या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दोनों ही फैक्टर्स के लिए,
तो ये मान लीजिए 100 है, ये हमारा 40 है, यहाँ हम x लिख देते हैं, यहाँ हम y लिख देते हैं, यहाँ हम y गुड्स लिख देते हैं, उस केस में ये ऐसे चला जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया आ भी रहा होगा बच्चों। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने सारी बातें वही की हुई है बच्चों। देखिए ये सारे डायग्राम वही है, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे रिसोर्सेज डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर डिक्रीज करेगा रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी खराब होगी तो अंदर की तरफ चला जाएगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी या रिसोर्सेज अच्छी होंगी तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ओके बच्चों, तो यही सारी बातें आपको समझनी है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है एक्स के लिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है वाई के लिए। तो बच्चों यही सारी पॉइंट आपको कवर करने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।